ब्लाउज मेकिंग यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम 30 इंच का प्रिंसेस कट बंदा गला ब्लाउज की कटिंग देखेंगे। नाप आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस ब्लाउज की लेंथ है 13 इंच, इसमें 1 इंच मिलाकर 14 इंच पर यहाँ हम एक मार्क करेंगे, क्योंकि 1 इंच हमने यहाँ एक्स्ट्रा लिया है। ऊपर की तरफ आधा इंच और नीचे की तरफ आधा इंच सिलाई मार्जिन चला जाएगा। शोल्डर बॉडी मेजरमेंट में 12 आया है, तो उसका आधा करके 6 इंच पर यहाँ एक निशान लगाएंगे, क्योंकि ये बंदा गला है तो शोल्डर बॉडी मेजरमेंट में जितना आएगा उतना ही लेना है। शोल्डर डाउन हम आर्म होल की तरफ करेंगे, लगभग आधा इंच लेना है हमें डाउन करने के लिए। इस तरह से हम शोल्डर डाउन करेंगे। गले की चौड़ाई है वो हमने यहाँ 2 इंच रखी है और गहराई 1 इंच है, लेकिन आधा इंच हमने यहाँ प्लस करके 1.5 इंच पर एक निशान लगाया है, क्योंकि ऊपर शोल्डर की तरफ आधा इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। इस तरह से हम गले का शेप देंगे। हर मोहल के लिए 6 इंच पर यहाँ एक निशान लगाएंगे और इंच टिप हमें डाउन वाले निशान पर रख के ही नापना है। चेस्ट है 30 का फोर्थ पार्ट हम यहाँ 7.5 इंच लेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। आर्म होल के लिए गोलाई हम आधे इंच की दूरी पर देंगे इस तरह से। कमर है 27 इंच, 27 का फोर्थ पार्ट है 7.5 इंच और 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। टक्स के लिए इंची टेप को हम यहाँ से मोड़ेंगे इस तरह से और सेंटर मार्क करेंगे और ऊपर की तरफ 4 इंच पर ये एक मार्क करके यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और टक्स हमने 1 इंच का लिया है तो दोनों तरफ आधे आधे इंच पर इस तरह से मार्क करके हम टक्स के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से पीछे के पल्ले के लिए ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो हमने डाउन वाला निशान लगाया है वहाँ से हम शोल्डर के लिए कटिंग करेंगे इस तरह से। यही पेपर रख के हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। ये मैंने आगे के पल्ले के लिए पेपर लिया है, आधे आधे इंच की दूरी पर 2 लाइन ड्रॉ की है और पेपर हम इस तरह से रखेंगे। और ये जो मैंने पीछे के पल्ले के लिए टक्स 1 इंच का लिया है तो आगे के पल्ले के लिए 1.5 इंच का टक्स लेना है, इसलिए सिलाई मार्जिन की तरफ आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आई और हुक के लिए पट्टी लगाते हैं इसलिए यहाँ आधा इंच है और नीचे की तरफ जो टक्स जोड़ते हैं तब आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लगता है, इसलिए हमने यहाँ आधे आधे इंच एक्स्ट्रा लिया है। और जैसे ही ड्राफ्टिंग आप पीछे के पल्ले के लिए वैसे हम यहाँ ड्राफ्ट कर लेंगे। अभी इस पेपर को हम अलग रख देंगे। गले की चौड़ाई है 2 इंच और गहराई हमने यहाँ 2 इंच ही लिया है, लेकिन आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि ये ऊपर की तरफ सिलाई मार्जिन आधा इंच लगेगा। इस तरह से एक बॉक्स तैयार कर लेंगे और राउंड शेप देकर हम गला ड्रॉ करेंगे। आर्म होल के लिए यहाँ 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। अंदर की तरफ आधा इंच लेना है आर्म होल के लिए। इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करना है और गोलाई हमें लगभग आधे इंच की दूरी पर देना है। टक्स के लिए हम यहाँ 2.5 इंच की दूरी पर एक मार्क करेंगे और टक्स है 1.5 इंच का, सिलाई मार्जिन 2 इंच है। इस तरह से ऊपर से हम यहाँ टक्स के लिए टक्स पॉइंट लगाएंगे 9.5 इंच पर। टक्स पॉइंट आप बॉडी मेजरमेंट से नाप सकते हैं।
ये जो लाइन है वो 5 इंच की है, तो दूसरी लाइन हम यहाँ 2.5 इंच की ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप देना है। यहाँ जो सिलाई मार्जिन हमने 2 इंच लिया है वहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमारे आगे के पार्ट के लिए जो ड्राफ्टिंग है वो पूरी हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए मैंने डबल फोल्ड पेपर लिया है और स्लीव्स है 5 इंच की, तो मैं 6 इंच पर मार्क करूँगी। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ऊपर और नीचे की तरफ आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन, 2.5 इंच पर यहाँ एक मार्क करना है और नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए 1/2 इंच। इस तरह से दोनों तरफ आधा आधा इंच पर मार्क करके एक लाइन ड्रॉ करना है। इस तरफ भी हम 6 इंच पर एक मार्क करेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ करके हम जो आर्म होल है आर्म होल का शेप देंगे। तो आर्म होल है 13 इंच, 13 का आधा 6.5 इंच है, तो मैं यहाँ 1/4 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, तो 1/7 इंच पर यहाँ मार्क करूँगी। 2 इंच सिलाई मार्जिन, इस तरह से तिरछी लाइन करके हम यहाँ जोड़ लेंगे। स्लीव्स की मोरी है वो 9 इंच है, 9 का आधा 4.5 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन। इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे स्लीव्स फोल्डिंग के लिए नीचे की तरफ। और जो आर्म होल की ये गोलाई है वो पीछे के आर्म होल की गोलाई है और आगे के आर्म होल की गोलाई है वो थोड़ा नीचे से डाउन करके हमें यहाँ ड्रॉ करना है। मैं जिस तरह से ब्लाउज की कटिंग करती हूँ वही तरह का मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। इस तरह से आगे वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे, इसी तरह से स्लीव्स की कटिंग करनी है।